हैरान हूँ और शॉक्ड हूँ बहुत ये फिगर्स सुन के। आई थिंक उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें एक है कि वो अपने बड़ों को देख के फादर फिगर बनने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी एज से बड़ा दिखना या कूल दिखना, ये टू मेजर फैक्टर्स जो मैंने बचपन से देखे। इसके मुझे नहीं था आइडिया कि इस तेज़ी से, मतलब डेली जो है वो हमारी जो यूथ है वो टोबैको की तरफ जा रही है। टोबैको जो है वो दुनिया में और हमारे मुल्क में भी सबसे पुराना नशा है, अगर नशा कहेंगे इसको। और ये आदत जो है ये पीयर प्रेशर से आती है, ये आदत जो है यंगर एज पे आती है। मैं स्कूलों में पढ़ाता हूँ तो मुझे अदराक है कि स्कूलों की हद तक 8वीं जमात ऑनवर्ड्स जो ऑनस्लॉट है सिगरेट का वो कितना ज़्यादा है। सिगरेट पीने वाली ख़ास कंपनी जो है बच्चों की समझी जाती है, जो स्कूल से भागे हुए होते हैं या क्लासेस बंक करते हैं या इम्तिहानों को संजीदगी से नहीं लेते हैं। आज का बच्चा जिसकी उम्र 8, 10, 11, 12 साल है वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ये माने ना माने कि सिगरेट एक स्केप है, सिगरेट एक नशे की एक शक्ल ही है, एडिक्शन की भी एक शक्ल है। दुनिया मानती है कि टोबैको एक सोशल ईवल है। अब आप ये नहीं कह सकते कि एक सोशल ईवल को से बचने के लिए आप दूसरे सोशल ईवल को आप लीगलाइज करना शुरू कर दें या उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दें फॉर एनी मीन्स। इनिशियली तो जो है वो अक्सर एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में किसी बड़े को देखा, दोस्तों में देखा, पीयर प्रेशर हुआ उसकी वजह से। निकोटीन जो है जो कि सिगरेट में होती है दुनिया के तकरीबन सबसे ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ों में शामिल है। तो इन द शॉर्ट टर्म तो जनरल जो है वो बच्चे को जो है गला वगैरह ख़राब होगा बहुत ज़्यादा, जो है वो जब उसको निकोटीन क्रेविंग होगी तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा अगर उसको सिगरेट पीने का मौका नहीं मिलता, नींद उसकी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो स्मोकिंग के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं, और ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम्स की या इसी तरह रिलेटेड प्रॉब्लम की तो हो सकता है वो उससे 15 साल से पहले भी उनको जो है डिजीज़ डेवलप होना शुरू हो जाए। सिगरेट के इस्तेमाल से देखा गया है कि दिल की बीमारियां जो है वो तकरीबन 2 गुना ज़्यादा हो जाती हैं, इसी तरीके से फालिज जो है वो 3 गुना फालिज का इजाफा हो जाता है। अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो तकरीबन 10 गुना लंग कैंसर में इजाफा हो जाता है, माउथ के कैंसर्स जो है ना इनका इजाफा हो जाता है। सिगरेट का आप ये देख लें कि तकरीबन जिस्म के हर सिस्टम पे इफ़ेक्ट करेगा, तो आपके नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिस पे बहुत ज़्यादा हमारी टेंशन होती है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करेगा, आपके वैस्कुलर सिस्टम को इफ़ेक्ट करेगा। जब कोई मुसलसल सिगरेट पी रहा हो तो उसकी वजह से लंग्स को डैमेज होना शुरू हो जाता है, और ये डैमेज ऐसा है कि एक दफ़ा जो डैमेज हो गया वो ठीक नहीं हो सकता। दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो उसको ठीक करे, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो उस डैमेज को वापस ले जाए। देखिए नई रिपोर्ट है पाइड की जिसके मुताबिक पाकिस्तान को हर साल सिर्फ सिगरेट की वजह से 615 अरब रुपए का नुकसान होता है। इसमें है डेथ्स भी हैं, डिजीज़ भी हैं, लो मॉर्बिडिटी भी है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अपने हाथों से अपने आप को हलाक ना करो, और इसी तरह नशे के बारे में कहा है वो कम हो या ज़्यादा हो, जिसकी तासीर ज़्यादा होने से इंसान, तो ये सेहत जो है वो सिगरेट पीने से हर सूरत ख़राब होती है। कोई डॉक्टर दुनिया का ऐसा नहीं है जो कहे कि सेहत ख़राब नहीं होती इससे, तो ना ये शरण जायज़ है, बड़ों के लिए भी ठीक नहीं है, छोटे तो छोटे हैं। ये बहुत पावरफुल लोग हैं जी, मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो इस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व हैं उनके नाम भी हमें पता हैं, उनका जो स्टाफ काम कर रहा है उसका भी हमें पता है, उनके ऑफिसेज कहाँ पे लोकेटेड हैं उनका भी हमें पता है, और उनके काम से जो लोगों की सेहत ख़राब होती है उसका भी हमें पता है। ये तो हो गया फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर जिसका आपने जिक्र किया वो तो बिल्कुल ज़ेर ज़मीन काम करता है, सबटेरेनियन है, लिहाजा वो अपने बंदे असम्बलियों के अंदर भी भेजता है, वो पार्टी के टिकट्स दिलवाने के अंदर भी बहुत करामद है। तंबाकू जो है जो हमारा किसान केपीके में प्रोड्यूस करता है वो अगर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर नहीं है तो पुअर ज़रूर है,
क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन होती है, पूरा एक सिस्टम रखा हुआ है उसके तहत उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। उससे सस्ता तरीन तंबाकू ख़रीद के और वहाँ के जो खवानीन हैं, जो बड़े लोग हैं, जो कि सियासत में भी हैं, वो वज़रा भी हैं, वो स्पीकर भी हैं, वो लोग जो हैं उनसे सस्ता ख़रीद के और ऐसी जगहों पे जाके सिगरेट साजी करते हैं जहाँ पे टैक्स की सहूलतें दस्तियाब हैं। तो फिर हम ये भी सुनते हैं कि जाली सिगरेट बनाने वाला जो है वो KPK में मिनिस्टर होता है, उसके दो भाई सेनेटर होते हैं। देखें, एक स्टडी है, SPDC एक इदारा है, थिंक टैंक है, उनकी एक स्टडी है, उस उन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स निकाली हैं वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से लिए गए हैं सारे अदाद व शुमार, और उसके तहत उन्होंने ये साबित किया है कि ये जो दो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं पाकिस्तान में जिनका पूरी मार्केट में 90% या इससे ज़्यादा का शेयर है पूरे मार्केट का, वो 34% अपना टैक्स नहीं देती प्रोडक्ट्स पर। अब यही इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि शोर मचाती हैं कि पाकिस्तान में इलिसिट ट्रेड है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज तक इन इंडस्ट्री में से किसी ने भी किसी और पर कॉपीराइट का कोई एक केस नहीं किया, क्योंकि इनको पता है कि कोई भी इनकी प्रोडक्ट्स को कॉपीराइट नहीं करता, ये खुद ही बनाते हैं, खुद ही टैक्स को चोरी करते हैं और ख़ुद ही मार्केट में भेज देते हैं। कि जो मल्टीनेशनल्स हैं इन्होंने अपने काउंटरफीट के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी खुद ही लगाए हुए हैं और ख़ुद ही चला रहे हैं। ये जो शोर मचाते हैं ना, ये ऐसे ही कंपनी की मशहूरी के लिए मचाते हैं, ठीक है, अदरवाइज अपना ओरिजिनल ब्रांड और काउंटरफीट दोनों खुद ही तैयार कर रहे होते। तो जो हमें पता चला, इंडस्ट्री के लोगों ने बताया, और इंडस्ट्री के लोग मैं जब कहता हूँ तो सेल्स के लोग जो बड़े डीलर हैं उन्होंने, और जिनको फैक्ट्री से माल आता है और फिर आगे छोटे होता है ना, उन्होंने बताया कि जी 5 जगहों पे इसका और भी प्रोडक्शन है जो कि कागजात में शो नहीं होती, हमें सप्लाई वहाँ से आ रही है। आप कंट्री की बात कर रहे हो और कंपनी उनको ऑन नहीं करती। अब पाकिस्तान में बहुत सारे इदारों ने रिसर्च भी की है, सर्वे भी करवाए हैं, और इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि पाकिस्तान में इलिसिट ट्रेड का कोई मसला नहीं है। तकरीबन 9 से 16% के दरमियान जो मुस्तनद इदारे हैं वो बताते हैं कि ये इलिसिट ट्रेड मौजूद है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी फिगर नहीं है जिसके ऊपर परेशान हुआ जाए। ये जो 77 अरब वाला या 70 अरब वाला शोर आजकल टबैको इंडस्ट्री डाल रही है, अगर आप देखें इनके पिछले साल का इवन जनवरी का एड, तो उसमें ये 40 अरब का बता रहे थे और एकदम जंप करके इसको 77 अरब पे ले आए, और इसकी कोई रिसोर्स नहीं बताते कहाँ से इन्होंने ये फिगर्स लिए, कौन सा सर्वे किया, किसने सर्वे करवाया। देखें, 810 अरब की मुमकिना इकॉनमी और उसका सिर्फ 110 अरब का उसके ऊपर टैक्स, बहुत बड़ा गैप है। अगर हमने इस बिद्दत को अलाउ करना ही है तो फिर पूरा टैक्स लगाएं, ताकि अगर आपने फ़ायदा को सोचना है इतने बड़े नुकसान के पेश नज़र, तो उस फ़ायदा जो है कम से कम 800 बिलियन से ऊपर तो जाए। अगर 2016-17 की मैं आपको फिगर बताऊं तो तकरीबन 80 अरब के करीब सिगरेट स्टिक्स पाकिस्तान में हर साल बनती हैं और इस्तेमाल होती हैं। इनकी जो शेल्फ़ लाइफ है सिगरेट की वो 6 माह है, तो जो भी सिगरेट बनेगी वो 6 माह के अंदर उसने कंज्यूम होना है। दैट मीन्स के 80 अरब के करीब हम हर साल सिगरेट्स फूंक देते हैं। इसका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो तकरीबन 110 अरब रुपए के करीब है। अच्छा, आपको एक बात जहन में रखनी है कि ये रेवेन्यू टोबैको इंडस्ट्री नहीं देती, ये हर कंज्यूमर अपनी जेब से देता है। टोबैको इंडस्ट्री सिर्फ कलेक्ट करती है और गवर्नमेंट को वो सबमिट कर देती है। जो इनकम टैक्स इंडस्ट्री देती है वो बिल्कुल नॉमिनल सा होता है। उसके मुकाबले में अगर आप नुकसान को देखें, जो गवर्नमेंट कमा रही है 110 अरब, उसके मुकाबले में 615 अरब का हर साल नुकसान हो जाता है। अब FBR स्पेसिफिकली टोबैको इंडस्ट्री के इंटरेस्ट्स को वॉच करता है, और हमने देखा है कि आज तक जितनी भी पॉलिसी बनाई गई है सिगरेट के ऊपर वो लोगों की फलाह के लिए नहीं थी, वो सिर्फ सिगरेट इंडस्ट्री को बचाने के लिए बनाई गई। 2019 में इमरान खान साहब ने ख़ुद इंटरेस्ट लेते हुए एक बिल था जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से पेश किया गया, उसको कहते हैं हेल्थ लेवी बिल, जिसके मुताबिक हर सिगरेट के पैकेट पर 10 रुपये हेल्थ लेवी चार्ज किया जाना था, और ये पैसा आवाम की सेहत की जो सहूलियात हैं उनमें बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना था, जो मुख्तलिफ स्कीमें गवर्नमेंट पेश करती है वक्तन फ़वक्तन।
लेकिन 2019 में ये हुआ कि जब ये चीज़ कैबिनेट ने अप्रूव की तो FBR ने जानबूझकर उसको बजट का हिस्सा नहीं बनाया और उसको वहाँ से आप समझ लेंगे गायब कर दिया। सो मच सो FBR ने पूरी गवर्नमेंट को धोखे में रखा। इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी ये कहा गया और उस वक्त के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको भी ये कहा गया कि जी हमने हेल्थ लेवी लगा दी है। ये सरकार पॉलिसी तय करे कि उसने सिगरेट की इंडस्ट्री को रेवेन्यू का सोर्स बनाना या इसको डिस्करेज करना। जब आप उसको रेवेन्यू का सोर्स बढ़ा के उसके ऊपर टैक्सेशन में इजाफा करेंगे तो वो एक और पॉलिसी या स्ट्रेटजी के तहत होगा, और अगर आप उसे डिस्करेज करने के लिए उसके ऊपर टैक्सेशन करेंगे तो वो एक और स्ट्रेटजी के तहत होगा। अनफॉर्चुनेटली जो मैं पिछले कुछ 3 दहाइयों में फाइनेंशियल जर्नलिज्म करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक और सिगरेट, इन दोनों को हर फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एक गोल्डन एग लेइंग डक समझता है। टबैको जो है वो पूरी दुनिया में हमेशा से बड़ा एक समझ लें कि कॉज फॉर कंसर्न रहा है, लेकिन इसको समवट रेगुलेट करने की कोशिश की गई, इसको बहुत तरीक़ों से अप्रोच करने की कोशिश की गई, लॉज ऐसे बनाए जा रहे हैं कि इसको डिस्करेज किया जाए, बट किसी दुनिया के मुल्क में जरूरत नहीं है कि वो ये लॉ बनाए कि ये आउटराइटली बैंड है और आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम ले लें। देखें, ट्रैक एंड ट्रेस एक बहुत अच्छा सिस्टम होता अगर ये लागू हो जाता प्रॉपरली, ये लाइसेंस आउट हो जाता, इससे पाकिस्तान को बहुत बचत होनी थी, इलिसिट ट्रेड वाला मसला भी हल हो जाना था। लेकिन FBR जानबूझकर इस तरह के टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाता है और इस तरह की ऑक्शनिंग करता है कि वो फौरन ही कोर्ट में चैलेंज हो जाए और वो मामला वहीं लटका रहे। ये मामला तकरीबन 5-6 साल से इसी तरह FBR गेम प्ले कर रहा है। टैक्स जो है ये सिर्फ एक बहुत सारे टूल्स में से एक टूल है जो कि सिगरेट की कंजम्पशन को कम करने और हमारे बच्चों को तम्बाकू नोशी से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो टूल इस्तेमाल होते हैं, जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं और बड़े सक्सेसफुली इस्तेमाल हुए हैं, उसमें सबसे अहम है सिगरेट की डब्बी के ऊपर एक तस्वीर, जिसको पूरी दुनिया में प्लेन पैकेजिंग कहा जाता है, यानी उस डब्बी की जो खूबसूरती है उसको ख़त्म किया जाए, उसके ऊपर वो प्रॉपर जो भयानक किस्म की तस्वीर है वो पूरी फुल बाई फुल हो। तीसरी चीज़ जो है वो टैप्स है। टैप्स कहते हैं टोबैको एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल गाइडलाइंस, या स्पॉन्सरशिप के खिलाफ भी। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ टोबैको इंडस्ट्री करती है टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, उसको रोकने के लिए जो पाकिस्तान में कानून हैं वो काफ़ी तसल्ली बख्श भी हैं और काफ़ी अच्छे हैं। और टैक्स जो है इनमें एक तीसरा टूल है जो कि है। चौथी जो चीज़ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहती है वो है अवेयरनेस, आप लोगों को बताएं कि ये क्या चीज़ है। और जो पांचवी चीज़ है वो है आप क्विट स्मोकिंग, यानी आप जो एक्यूट स्मोकर्स हैं या स्मोकर्स हैं आप उनको रिहेबिलिटेट करें। सो आई थिंक इस वक्त एक इंटरनेशनली एक पूरा ट्रेंड है अगेंस्ट स्मोकिंग, और मुझे याद है आई वेंट टू दुबई तो उनके पूरे जो एयरपोर्ट थे उस पर लिखा हुआ था स्मोकिंग इज़ आउट ऑफ फैशन, और वो एक खातून थी उनके हाथ में सिगरेट था एंड शी हैड टर्न्ड अवे फ्रॉम दैट सिगरेट और लिखा हुआ था स्मोकिंग इज़ आउट ऑफ फैशन। इंग्लैंड में लॉज ऐसे आ गए हैं कि सिर्फ 1 घंटे की इजाज़त है, वो भी आप ऑफिस से बाहर जाकर सिगरेट पी सकते हैं। अमेरिका में भी ऐसे ही है। मैं समझता हूँ इंग्लिश लॉ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसी तरह लोगों को बाहर ले जाया जाए, जाके धूप में अगर आज जून के अंदर लेट से 30-40 डिग्री में बाहर खड़े होकर सिगरेट पीना पड़े तो डिस्करेज होऊंगा मैं या कोई भी जो सिगरेट पीता है। आपकी सोसाइटी में सिगरेट अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल, और उस पर बड़ा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो स्टेट जो एक्शन ले वो तो टैक्स की शक्ल में लेगी, कवानीन की शक्ल में ले, लेकिन एक फर्द वाहिद जिसके बच्चे छोटे हैं, जिसके 10-11-12 साल के बच्चे हो रहे हैं, उसे नज़र रखनी चाहिए कि इनमें बैठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है। पाकिस्तान में हर रोज़ गालिबन 1200 कितना बच्चा जो है वो सिगरेट पे लग रहा है। अब अगर आप उस फिगर को साल के एंड में ट्रांसलेट करें तो ये ठीक ठाक फिगर बन जाता है, यानी कि बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं कहता हूँ इसके ऊपर तो प्रॉपर हंगामी बुनियादों पर मेजर्स लेने पड़े, चाहे थोड़े से सख्त मेजर्स हों। अगर आप हर साल इन्फ्लेशन के मुताबिक टैक्स बढ़ा देंगे ना तो अगले 3 माह के अंदर उसको मीट कर लेगा, वो अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा लेगा ना कंज्यूमर, और वो इन्फ्लेशन को मीट कर जाएगा। आप उसको झटका दें शॉक थेरापी के जरिए ना, एक बड़ा सारा टैक्स बढ़ाएं। जो चीज़ बुरी है उस पर एक टैक्स लगा दीजिए, और सारी दुनिया टैबैको पे लगाती है और शायद इसको 200-300% ऊपर कर देती है।
मेरा ख्याल है इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो अपने बच्चों पे इतनी आँख नहीं रख सकते और इतना भी उनको सुपरवाइज नहीं कर सकते, अगर आप पेरेंटिंग का ये वाला हक भी नहीं अदा कर सकते तो फिर आपको पेरेंट होने का हक नहीं। देखिए, दुनिया में जो भी महजब कौम हैं, आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें, आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ले लें, उन्होंने टैक्सेस को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि वहाँ पे जो कंजम्पशन है वो 50% तक रिड्यूस हो गई है। यही बात वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि आपने अगर कंजम्पशन कम करनी है और रेवेन्यू बढ़ाने हैं, हर साल तकरीबन 30% आपने टैक्स बढ़ाना है सिगरेट्स के ऊपर। मेरे ख्याल में ये सिर्फ हुकूमत और स्कूलों और सप्लाई वाली इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी फोकस नहीं करना चाहिए। असल में तो इसका एक बहुत बड़ा जाविया पेरेंटिंग भी है जिसके अंदर आपकी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं। तो ये जो बच्चों के अंदर आप बात कर रहे हैं, वो बच्चे हैबिट्स कहाँ से पिक करते हैं? तो आपने जब तक एडल्ट पॉपुलेशन की स्मोकिंग हैबिट्स को ऑल्टर नहीं किया तो वो फिल्टर डाउन नहीं करेगा। ऐसे में बहुत ज़रूरत है कि हम इस तंबाकू नोशी को के मुज़र असरात से अपने लोगों को बचाने के लिए इसके इस्तेमाल को कम करवाएं। और इसके लिए ये एक आलमी सतह के ऊपर रिसर्च है कि जब ये सिगरेट महंगे होते हैं तो इसके इस्तेमाल में कमी आ जाती है। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने, ख़ासतौर पर वजारत सेहत ने, अपनी सिफारशात जो हैं वो वजारत ख़जाना को भेजी हैं कि आने वाले बजट में सिगरेट के ऊपर मज़ीद टैक्स लगाए जाएँ ताकि ये महंगा हो जाए और इसके इस्तेमाल में एक वाज़े कमी हमें नज़र आए। तो इस वक्त हुकूमत जो है वो बहुत सीरियसली ऐसे इकदाम पर गौर कर रही है कि किस तरह तंबाकू नोशी जो है वो हमारे मुल्क में कम हो ताकि हेल्थ केयर सिस्टम पे जो एडिशनल बोझ है उसमें हम कमी ला सकें।